उन्होंने भी हमारी सरकार को सपोर्ट किया है। शिवसेना बीजेपी की सरकार, जो गठबंधन वाली सरकार, जो हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों वाली सरकार, उनकी भूमिका जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का आइडियोलॉजी सेम है और एक विचारधारा को साथ में हम लोग आगे ले जा रहे हैं। कि आपके कुछ जो विरोधी हैं, आपके उद्धव गुट के लोग हैं या विरोधी, वो ये कह रहे हैं कि एक डीलिंग हुई है अजीत पवार के साथ, एक डीलिंग हुई है और उस डीलिंग में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मुख्यमंत्री कुछ समय बाद अजीत पवार होंगे, ये सब खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी? मैं इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऊपर के जो लोग हैं वो बराबर निर्णय लेते हैं और जो अफवाह है ये सब रूमर्स है। अभी विपक्ष के पास कुछ काम बचा नहीं, राष्ट्रवादी भी फूट गई है पूरी, उनके पास थोड़े से विधायक बचे हुए हैं जो उन्होंने इतने साल पहले किया है, वसंत दादा, सोनिया गांधी, बहुत बार किया उन्होंने। तो अभी क्या है, वो जब भी ऐसे कोई जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, लीडर, जब उसको दबाया जाता है, उसको साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसे हादसे होते हैं। और उन्होंने तो बताया खुद ही ना, अजीत दादा ने बताया खुद कि पवार साहब ही ने खुद ही तो बोला था बीजेपी के साथ चलो, 2017 में चलो, 2019 में चलो, उन्होंने तो सब अपने भाषण में कहा है कि हमने किधर गलत किया है। उनके मार्गदर्शन से तो सब उन्होंने पहले सुबह का शपथ विधि हुआ था, फिर उन्होंने ही कहा है, अजीत दादा ने, भुजबल जी ने, पवार साहब ने यूटर्न ले लिया। भी जब उनको बार बार अपमानित किया जाए तो क्या करे आदमी। ये शरद पवार से आपकी भी मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले यही वर्षा में, ये उसके बाद ही सब कुछ हुआ है क्या? नहीं, ये वो बात तो उसमें कुछ नहीं थी, वो मुझे कुछ दूसरे काम से मिलने आए थे। उनके एक मराठा मंदिर संस्था जूनी पूरा 75 साल पुरानी, उसमें कार्यक्रम में मुझे उन्होंने निमंत्रित किया था, मैं गया भी था। तो क्या उनको पता था ये सब होने वाला है, आपको लगता है ऐसा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको सब पता होता? नहीं, उनको अभी तो ये सब हुआ तो उनको उनके पहले तो उनके मर्जी से हुआ होगा, लेकिन अभी ये तो मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता उनके उसमें हुआ था? एक पोर्टफोलियो को लेकर तो उन्होंने दिखाया है। कैसे? पहले वाला? हाँ, पहले 2-3 बार हुआ ना ऐसे, लेकिन तब तो वो मुकर गए थे। एक साल पहले जो हुआ तो पहले जो हुआ तो मुकर गए, इसलिए इन्होंने पूरा बराबर काम कर दिया अजीत दादा और उनके साथी ने। आपके संबंध कैसे हैं अजीत दादा पाटिल से? बिल्कुल अच्छे हैं, अभी साथ में हम लोग ने काम किया ना। तो ये जो पोर्टफोलियो उसको लेकर तमाम चीजें चल रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, मलाईदान मंत्रालय, उस पर अटका हुआ है मामला, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब सलट जाएगा। लेकिन उनके मन में एक टीस भी है अजीत दादा के, उन्होंने कहा कि कब तक मैं उप मुख्यमंत्री ही रहूंगा, कभी तो वक्त आएगा मैं मुख्यमंत्री भी बनूं। देखो, हर एक को तो लगता है, हर एक की मंशा तो होती है, बराबर ना, लेकिन आखिर ये सब जनता के हाथ में होता है, पार्टी के हाथ में होता है। मुझे कहाँ मालूम था कि मैं होने वाला हूँ, आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ। क्या मुख्यमंत्री इतना क्या कोई बड़ा ऐसा, मुझे कुछ भी नहीं लगता है, जो मैं पहले था वही आज ही भी हूँ, इसलिए तो वर्षा में सब लोग आ रहे हैं। शिंदे जी, ये जो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, इसको लेकर कई सारे आपके, 2 दिन से मैं देख रही हूँ ट्विटर पर, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो आपके पुराने वीडियोस और पुराने बयानों को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह आप उन्हीं लोगों को जिन पर पहले अटैक करते थे अब अपनी सरकार में लेकर आ गए हैं, तो वॉशिंग मशीन में सब धुल गए हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हमने विचार नहीं बदले, हमने विचारधारा नहीं बदली है, हमारे बाबा साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की विचारधारा हमने नहीं बदली। हम किसके साथ गए? हम हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी के साथ गए और उसके बाद अजीत पवार, इन्होंने जब सपोर्ट किया तब कहा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व वही कर सकते हैं, देश को आगे वही बढ़ा सकते हैं, उनके नेतृत्व पर विश्वास रखकर सपोर्ट किया। और हमारे
राज्य के विकास को सपोर्ट किया है, उन्होंने सपोर्ट किया है, ये फर्क है और हमारी विचारधारा नहीं बदलेगी। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या पॉलिसी चेंज हुई है कुछ, क्योंकि एनसीपी पर पहले बहुत अटैक होता था इस बात को लेकर, खासकर कुछ नेताओं को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर, उस पर क्या स्टैंड वही है अभी भी? नहीं, वो तो जो भ्रष्टाचार हमारी सरकार में अभी जुड़ने के बाद, ये तो हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट, बाकी सब जो किसी की प्रायोरिटी है वो बाजू में रखनी पड़ेगी। हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य का विकास करना, इस राज्य के जनता के जीवन में बदलाव लाना, ये एजेंडे में हम काम करेंगे। ये जो एक साल पहले जो हुआ था शिवसेना में, लगभग वही तस्वीर अब एनसीपी में हुई है। आपको लगता है ये जो दोनों पार्टियों में हुआ, कहीं ना कहीं परिवारवाद को ये जवाब है जनता का और विधायकों का और चुने हुए लोगों का, कि जहां पर भी सिर्फ एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से चलाने की कोशिश होती है, उन पार्टियों में अब ये नहीं चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी सिर्फ परिवार के वजह से बढ़ती नहीं, मजबूत होती नहीं, उसके साथ कार्यकर्ता हो, हजारों लाखों कार्यकर्ता हो, मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, त्याग करते हैं, और हम हमारे सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाते जाएंगे और काम करने वाले लोगों को दबाते जाएंगे, काम करने वालों को नौकर समझेंगे, खुद को मालिक समझेंगे, तो ऐसे होने वाला है। बाला साहब ठाकरे जी क्या करते थे, उनके जो साथी थे उनको सहयोगी समझते थे, हमने काम किया उनके साथ, सहयोगी समझते थे। जब एक मालिक और नौकर ऐसे समझने लगे और एक आध बड़ा जो लीडर है काम करने वाला उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर देते, उसको दबाने की कोशिश होती है,